सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित सरिता। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड आई पर्सनली थिंक यार ये सिर्फ उन बच्चों के लिए वैलिड नहीं है जो 11th 12th में है, ये बेसिकली सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है एंड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक जेई एंड नीट 2020 एंड दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। उन्हें लगता है कि वो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्शन में थोड़ा ज़्यादा इंडल्ज हो गए हैं एंड यार ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर जाएंगे। मैं बताऊंगा डिस्ट्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं, उसे कैसे दूर रहना है एंड यार डिस्ट्रैक्शन मुझे भी बहुत होती थी, डिस्ट्रैक्शन मुझे भी काफ़ी फील होती थी एंड मैंने भी उनसे कैसे गेट रिड ऑफ किया। तो यार इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक पूरा देखिएगा, आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। डायरेक्टली कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट आर डिस्ट्रैक्शन। तो यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर मैं इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से दूं तो वो क्या होगी, डिस्ट्रैक्शन इज समथिंग दैट टेक्स योर अटेंशन अवे फ्रॉम व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग। तो डिस्ट्रैक्शन अगर मैं सिंपली तरीके से डिफाइन करूँ तो वो चीज़ें क्या होती हैं जो कि आपका मेन काम करने नहीं देती, आपके विजन्स पे काम नहीं करने देती एंड आपकी अटेंशन वहाँ से ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेती है। तो यार अगर मैं डिस्ट्रैक्शन के डेली लाइफ डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ तो फोन हो सकती है, सोशल मतलब फोन हो सकता है, सोशल कनेक्शन हो सकता है एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यार बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं हमारी डेली लाइफ में एंड ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड भी करता है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। यार डिस्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को आती है, ये बड़े लोगों को भी आती है, बच्चों को भी आती है। तो यार मैं जनरल पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स की बात करूँगा। सो गाइस नाउ कमिंग टू द डिस्ट्रैक्शन टाइप्स, अगर मैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ, डिस्ट्रैक्शन होती है दो टाइप की, पहली होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। एंड अगर मैं इंटरनल और एक्सटर्नल में भी कैटेगराइज करूँ तो यार इंटरनल डिस्ट्रैक्शन में दो तरह की डिस्ट्रैक्शन आती है, पहली आती है साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेकेंड आती है आपके इमोशनल थॉट्स। तो यार अगर मैं साइकोलॉजिकल नीड्स की बात करूँ तो ये इसका मतलब होता है आपकी जो डिमांड्स होती हैं या फिर डेली लाइफ वॉन्ट्स होती हैं जो आपको पर्सनली सेटिस्फाई होने के लिए चाहिए होती हैं। एंड अगर यार मैं बात करूँ सेकंड टाइप की तो वो है इमोशनल थॉट्स। इमोशनल थॉट्स का मतलब क्या है, जिसमें आपका इमोशनल इम्बैलेंस आता है या फिर एक्सेस इमोशनल थॉट्स आते हैं टुवर्ड्स दोज पीपल हुम यू आर सोशली और मेंटली कनेक्टेड। तो यार अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी से कनेक्टेड हो, उनके प्रति ज़्यादा थॉट्स आना वो होते हैं आपके इमोशनल थॉट्स के डिस्ट्रैक्शन। एंड यार नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, यार एक्सटर्नल में दो टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन आती है, पहला होता है टेक्नोलॉजी एंड दूसरा होता है पीपल। तो यार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो फ़ोन हो गया, आपके पास लैपटॉप हो गया, आपके पास कंप्यूटर हो गया, काफ़ी सारे टाइप के डिस्ट्रैक्शन आजकल आ चुकी हैं। एंड यार अगर मैं बात करूँ पीपल की जो कि सेकंड है, तो उसमें आते हैं वो लोग या फिर योर फ्रेंड्स बेसिकली, जो कि आपको काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, अनॉय करते हैं। तो यार ये सारे फ्रेंड्स से भी आपको दूर रहना चाहिए। तो ये तो थी डिस्ट्रैक्शन की जनरल कैटेगरी कि कितने तरह की डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। काफ़ी लोगों के लिए इंटरनल डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा मेजोरिटी में होती है एंड काफ़ी लोगों के लिए एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा मेजोरिटी होती है, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे मेन टॉपिक की कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर रखें। तो भाई जहाँ बात आती है डिस्ट्रैक्शन से डील करने की, तो यार पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन हमारे चारों तरफ हैं एंड जो हमारी आजकल की जनरेशन है यार वो डिस्ट्रैक्शन से एकदम घिरी हुई है। जैसे कि आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शन से वो घिरी हुई है। एंड यार अगर हम यहीं पे एक डेकेड पहले की बात करें या फिर दो डेकेड पहले की बात करें तो इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ करती थी। अब देखो यहाँ पे यार आप लोग टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि यार वो जहाँ एडवांटेज करती हैं वहाँ को डिसएडवांटेज भी करती हैं, इसलिए यार हमें इनके साथ रहना सीखना पड़ेगा। और मैं आपको बेसिकली तीन टिप्स बताऊँगा कैसे उनको मैनेज करते हैं। तो यार तीन टिप्स में बेसिकली मैं तीन पॉइंट बताऊँगा एंड उनको फर्दर कैटेगराइज करूँगा कि उनसे कैसे डील करते हैं, जो कि मैंने पर्सनली किया, मैं अपनी पर्सनल हैबिट्स भी बताऊँगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करें मैं आपको ये सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अभी बात करने जा रहा हूँ वो है स्मार्ट डिवाइसेस। अब स्मार्ट डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं, आपके फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गए, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आईपैड हो सकता है, ये सारे यार आपके स्मार्ट डिवाइसेस में आते हैं एंड इसकी वजह से काफ़ी लोगों को डिस्ट्रैक्शन होती है, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन होती है इन वजह से। एंड यार अगर मैं स्मार्ट डिवाइस की बात करूँ तो मैं डिस्ट्रैक्शन डील करने के लिए मैं बेसिकली तीन पॉइंट का फर्दर कैटेगराइज करूँगा। पहला पॉइंट है यार गेम्स। तो यार जो हमारे स्मार्ट गेम्स होते हैं, जैसे आजकल पबजी बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग है यार पबजी आजकल, काफ़ी लोग खेलते हैं उसको, मेरे खुद दोस्त काफ़ी खेलते हैं। यार मैंने एक बार खेला था, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया था तो मैंने आगे उसको कंटिन्यू नहीं करा, क्या पता मुझे अच्छा लगता है, मुझसे खेला जाता तो मैं हो सकता है उसको खेलता आगे यार, लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स खेलते हैं पबजी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हो जो ज़्यादा टाइम अपना गेम्स पर लगाते हैं, नॉट पबजी एनी मतलब जनरल गेम की बात करूँ मैं, तो देखो सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये होता है कि आप डिलीट मार दो, उससे अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं यार। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल रह नहीं सकते उनके बिना, उनको मतलब एक तरह से यूज्ड हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं उसके, एंड यार काफ़ी लगता है कि खेलना है खेलना। तो यार मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग एकदम से डिलीट मार के उसके बिना नहीं रह सकते तो यार एक चीज़ करो, उसका टाइम ग्रेजुअली कम करो, एकदम से कम मत कर देना। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा ईगरनेस हो कि खेलना है मुझे खेलना है, एंड यार अगली बार जब आप नेक्स्ट सेटिंग में फ़ोन पे बैठे हो तो एकदम से बहुत सारा टाइम लगा दो उस पर या फिर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खेल दो।
सर मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि उसको एकदम ग्रेजुअली कम करो, स्पॉन्टेनियसली बिल्कुल भी कम मत करना, हो सकता है आपको और ही गंदे से उसको खेलने की, तो सर वैसा आपको बिल्कुल भी अपने साथ नहीं होने देना है। एंड अगर मैं सेकंड डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ जो कि स्मार्ट डिवाइस में अवेलेबल होता है, वो क्या है, सोशल मीडिया ऐप्स। तो यार सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर आपका आपके पास आ सकता है फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, मतलब ट्विटर एज इट नहीं है, स्नैपचैट हो गया आपके पास, एंड व्हाट्सएप भी बेसिकली हेल्पफुल है काफ़ी। लेकिन यार जैसे इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, तो यार मैं ये नहीं कह रहा कि इनको एकदम डिलीट मार दो, आप एक काम कर सकते हो, तो यार सोशल मीडिया एंगेजमेंट कम करने के लिए आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। आजकल क्या हो गया, थर्ड पार्टी ऐप्स आ गए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, स्टे फोकस्ड हो गया, रेस्क्यू टाइम हो गया। सर ये थर्ड पार्टी ऐप्स क्या करते हैं, आप इनमें क्या लिमिट सेट कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक हो गए, उनको आप मतलब पूरे 24 आवर्स में यानी कि पूरे एक दिन में 30 मिनट्स चलाओगे, या फिर 1 आवर ही चलाओगे, या फिर 2 आवर ही चलाओगे, उसके बाद क्या होगा, ये आपको उस ऐप को ब्लॉक कर देंगे, इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर देंगे या फेसबुक को ब्लॉक कर देंगे, उसके बाद आप उसको खोल नहीं पाओगे बिल्कुल भी। एंड यार आजकल क्या हो गया, काफ़ी एडवांस स्मार्टफोन्स आ गए हैं, मैंने देखे थे, जैसे मेरा स्मार्टफोन था, मतलब वो अभी भी है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी A50 हो गया, उसमें क्या है, डिजिटल वेलबींग नाम से एक ऑप्शन आता है, उसमें क्या होता है, आप ऐप की लिमिट सेट कर सकते हो 30 मिनट्स बेसिकली, या फिर 1 आवर। मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 आवर से ऊपर तो बिल्कुल भी मत करना, ऑल दर 1 आवर भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, 30 मिनट्स इज द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड टिप की बात करूँ तो वो क्या होगी, एक्सेसिबिलिटी। अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अवेलेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास फोन है या नहीं है, अगर फोन है तो भेज दो, मैं ये नहीं कह रहा, ये होती है अवेलेबिलिटी। मैं कह रहा हूँ आपको एक्सेसिबिलिटी के बारे में, यानी कि अगर सपोज आप इस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, सपोज मैं अगर पढ़ता तो मैं इस रूम में बैठ के पढ़ता, तो यार आप फोन रखो अपना बाहर, यानी कि रूम के बाहर, ताकि आप लोगों का ध्यान बिल्कुल भी फोन के पास ना रहे, क्योंकि यार जो चीज़ हमारे पास रहती है हमारा ध्यान उन पर ज़्यादा जाता है। ट्राई टू अवॉइड पीपल हु अनॉय यू या फिर डिस्टर्ब यू। तो यार ये काफ़ी अच्छी मतलब टिप है, एंड द बेस्ट एडवाइस यू कैन रिसीव फ्रॉम मी। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो एंड यार आप 11th 12th आखिर पढ़ रहे हो, तो यार मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यार 3-4 दोस्त से ज़्यादा, मैक्सिमम चलो 5 ले लो, इनसे ज़्यादा आप बिल्कुल भी किसी के भी टच में रहने नहीं वाले हो। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि फालतू में उन लोगों पे यार उन दोस्तों पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना अपना, क्योंकि यार ये काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है बच्चों के लिए। एंड यार उन स्टूडेंट्स को अपने दोस्त बनाया करो, या फिर उन लोगों से ज़्यादा बात किया करो जिनका एक तरह से मतलब विजन आपके साथ अलाइन करे, क्योंकि यार ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आगे के लिए। ये मतलब मैं कहूँगा ये ऑल दो सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि 11th 12th के लिए, सभी बच्चों के लिए। एंड जो थर्ड टिप आती है वहाँ पे, वो क्या है, फॉलो प्रॉपर शेड्यूल, टाइम टेबल और फोकस ऑन अ टारगेट। तो अगर मैं बात करूँ पहली टिप की, यानी कि फॉलो प्रॉपर शेड्यूल या टाइम टेबल, तो यार ये बेसिकली उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो कि टाइम टेबल बना लेते हैं, या फिर अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, जिन्हें टाइम मैनेजमेंट आता है, जो कि प्रॉपर शेड्यूल के साथ चलते हैं। तो यार मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आपका प्रॉपर टाइम टेबल बना हुआ है तो उसको फॉलो करो, ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। और अगर मैं बात करूँ सेकंड टिप की, यानी कि फोकस ऑन टारगेट, तो यार ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग टाइम टेबल नहीं बना पाते, या फिर अपने एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ नहीं चल पाते, तो यार आप लोग फोकस करो टारगेट्स पे रैदर देन टाइम टेबल। यानी कि आप लोग ये टारगेट्स में एज इट बात करूँ कि जैसे मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर गैसेस स्टेट का चैप्टर खत्म करना है, या फिर अगर मैं बात करूँ मुझे 2-3 वीक्स में पूरी ट्रिगो खत्म करनी है 11th में, तो यार इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, ये सब चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने आपको डिस्ट्रैक्शन के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, उसके टाइप्स एक्सप्लेन कर दिए, डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, किस वजह से हो सकती है वो एक्सप्लेन कर दिया, उसके कॉजेज एंड उसके 3 टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे डिस्ट्रैक्शन से डील करने में। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि यार मैं आपको जैसे बता रखा था कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो आती रहेंगी आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।